जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से बायोलॉजी के लिए। तो जैसा कि हम लोग आपके सामने क्लास 11th और टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के साथ तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कि शैवाल पुष्पन यानी एल्गल ब्लूम और रेड टाइड्स लाल तरंगे क्या होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि जैसे बात करते हैं कि लाल तरंगे यानी रेड टाइड्स क्या होती हैं और इसी की वजह से क्या जो समुद्र होता है वो लाल दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो रेड टाइड्स यानी डायनोफ्लैजेलेट याद रखना है, और डायनोफ्लैजेलेट का एक पार्ट होगा गोनियोलेक्स, जो जिसकी वजह है और उसकी वजह से वो क्या होता है लाल दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं रेड टाइड्स क्या होती है। लाल डायनोफ्लैजेलेट की संख्या में क्या होता है विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट होने का मतलब क्या है, डायनोफ्लैजेलेट में रिप्रोडक्शन के कारण उसकी संख्या बढ़ जाती है यानी जनन के कारण, और जनन में क्या होता है नई संतानों की उत्पत्ति होती है। तो क्या होता है, लाल डायनोफ्लैजेलेट की संख्या में विस्फोट के कारण समुद्र का जो पानी है उसका रंग लाल हो जाता है और इसे ही रेड टाइड्स कहते हैं। मतलब समुद्र का पानी जो है डायनोफ्लैजेलेट के जन्म के कारण उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और जिस वजह से वो समुद्र का पानी आपको लाल रंग का दिखाई पड़ता है और इसी को ही रेड टाइड्स कहते हैं। तो लाल डायनोफ्लैजेलेट का जो एग्जांपल है आपके पास वो क्या है, गोनियोलेक्स, ठीक है। इसकी वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा टीजीटी पीजीटी और नीट जैसे एग्जाम या बीएससी नर्सिंग के लिए। तो रेड टाइड जो है किसकी वजह से होता है, तो वो है आपका डायनोफ्लैजेलेट का गोनियोलेक्स के कारण होता है, और जबकि कभी कभी कुछ शैवालों की वजह से भी हो जाता है। तो वो शैवाल है आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी की जो शैवाल है ट्राइकोडैस्मियम इरिथ्रियम, ठीक है ना, ट्राइकोडैस्मियम इरिथ्रियम। तो ये चीजें हैं, ठीक है, ये इसकी वजह से क्या होता है रेड टाइड्स उत्पन्न होती है। दूसरा पार्ट आता है एल्गल ब्लूम क्या होता है। अब नाम से पता है एल्गल ब्लूम का मतलब बमबारी हो जाए, बहुत सारी एल्गी हो जाए, यानी कि अगर हम बात करें तो ऐसा पॉन्ड हो या ऐसा जलाशय हो जो बिल्कुल गंधीला हो, गंधीला का मतलब प्रदूषित, प्रदूषित जलाशय में क्या होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। प्रदूषित जल में क्या होता है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, और उसके वजह से मतलब कार्बनिक पदार्थ जैसे उसका न्यूट्रिटिव मटेरियल जब किसी में जैसे भोजन पानी जो जिसको समय समय सब कुछ मिलता रहेगा वो ग्रो करेगा ही, तो उसी तरह से जो प्रदूषित जलाशय होते हैं, प्रदूषित जलयुक्त जलाशय जो होता है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा या पोषक पदार्थों की मात्रा प्रचुर मात्रा में मतलब प्रचुर होती है, अधिक होती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसके कारण नीली हरी शैवालों की संख्या में क्या होती है वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, और इसी को ही क्या कहते हैं एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है ना। एल्गल ब्लूम किसे कहेंगे, ब्लूम को, तो आप सीधे बताएंगे यानी प्रदूषित जल में पोषक पदार्थों की मात्रा में अधिकता होने के कारण नीली हरी शैवालों में एकाएक वृद्धि हो जाती है, और जिससे उस जलाशय में क्या होता है, जिससे उस जलाशय में झाग उत्पन्न होता है, झाग युक्त हो जाता है उसका पानी, मतलब बबल्स बनने लगते हैं, पूरा सतह को ढक लेता है जल की सतह को, और इसकी वजह से उस जलाशय में जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो मरने के कगार पे आ जाते हैं एल्गल ब्लूम की वजह से। आपको बात समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।